हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुकर को लो फ्लेम पर प्रीहीट करने के लिए रख देंगे आराम से और एकदम अच्छे से। और ध्यान रखें कि सीटी ना हो। यस, और हम तब तक टिन को ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से अच्छे से और प्रीमिक्स से डस्ट कर लेंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें 1.5 कप प्रीमिक्स लेंगे। आपको ये आसानी से शॉप में मिल जाएगा, केक की शॉप पर। और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। यस, ओके। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और विस्कर से मिक्स करते जाएंगे। ओके, अब स्पैचुला लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम मिक्स करेंगे। स्पैचुला से जो साइड में होता है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा केक बैटर अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसे टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। वाओ, अच्छी डिज़ाइन हो रही है। यस, और स्पैचुला से भी करेंगे ताकि पूरा जो हमारा बैटर है वो इसमें अच्छे से आ जाएगा। अब हम इसे 2-3 times टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स ना रहे। ये तो प्रीमिक्स की केक है, इसलिए हमारी केक 30 या 35 minutes से रेडी हो जाएगी। अब हम इसे रख देते हैं हमारा कुकर, जो अच्छे जैसे प्रीहीट हो चुका है अच्छे से, और ढक्कन लगा देंगे। याद रखिए कि रिंग भी नहीं होनी चाहिए और सीटी भी निकाल दो और अच्छे से लगा देंगे। टाइम टू वेट फॉर 30-35 minutes। केक अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और हम इसे टूथपिक से चेक करेंगे। ध्यान रखिए कि गरम ना हो। देखिए, टूथपिक से चेक करेंगे। गाइस, आप देख सकते हो कि टूथपिक साफ निकली है, हमारी केक अच्छे से बन गई है। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और तब तक हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 cup व्हिप क्रीम लिया है और उस और सारा स्पैचुला से कर लेंगे। और अब हम इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। बच्चों को नहीं, बड़ों को, मम्मी। आप चाहे तो हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं। अगर आप हैंड विस्कर से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, और अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे तो बस 3-4 minutes हो सकती है, या 1 minute।
हमारा तो 1 मिनट में ही तैयार हो गया। वाव, कितनी अच्छी डिजाइन हो रही है। वाव, बहुत ही अच्छी डिजाइन हो रही है। गाइस, आप देख सकते हो एकदम स्टिफ पिक व्हिप क्रीम हो चुका है हमारा। और इस खुशी में टेस्ट तो करूं। बहुत ही अच्छा है। बच्चों को तो ऐसी सारी चीज़ें अच्छी लगती है। एक्चुअली मुझे भी। अब हम अपने केक को 2 लेयर्स में कट कर लेंगे। आप चाहे तो 3 लेयर्स या 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हो। हमारी यहाँ 2 ही है और हम शुगर सिरप लगा लेंगे। ओके, और अब हम व्हिप क्रीम लगाएंगे स्पैचुला से और पहले नाइफ से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो नॉर्मल नाइफ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने ली है पैलेट नाइफ। ओके, अब हम लगाएंगे केक की 2nd लेयर और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। और अब हम केक का क्रम कोटिंग करेंगे और ऐसे ही पुराने वाले कार्ड से करेंगे। आप चाहे तो स्क्रैपर से भी इसे स्ट्रेट पूरा सीधा कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पुराना वाला कार्ड लिया है। यस, अब थोड़ा सा व्हिप क्रीम हम दूसरे बाउल में ले लेंगे और उसमें स्काई ब्लू जेल कलर ऐड करेंगे ताकि हमारा व्हिप क्रीम ब्लू कलर का हो जाएगा। बस 2-3 ड्रॉप्स करेंगे और जितना भी हमारा स्काई ब्लू कलर होगा उसमें ज़्यादा मत डालना, वरना स्मेल आएगी। और जितना हमारा स्काई ब्लू कलर हो जाता है उससे ज़्यादा डार्क नहीं होगा, तो ऐसा हमारा हुआ है। यस, परफेक्ट। अब हम उस क्रीम को पाइपिंग बैग में भरेंगे। अब इसे ऊपर कर लेंगे और उसमें नोजल लगा देंगे और फिर ऐसे ही अच्छे से फ्लावर करेंगे। आप चाहे तो आपकी मन की डिज़ाइन आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने रोज़ चुने हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे फ्लावर्स भी कर सकते हो ऐसे डॉट। फ्रेंड्स, आप चाहे तो नीचे छोटे छोटे फ्लावर्स भी कर सकते हो, मैंने भी किए। नाउ वी नीड चोको चिप्स। और बस जैसे ही चोको चिप्स हो जाएंगे और फिर बस हमारे केक ही रेडी हो जाएगी और फिर मैं इस केक को कटिंग भी करूँगी। आपने मेरा बर्थडे वाला वीडियो तो देखा ही होगा ना। ओके, टाइम टू कट द केक। हैप्पी बर्थडे नीति, हैप्पी बर्थडे नीति, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर नीति। ओह ये, आई एम सो हैप्पी टुडे। अब हम इस केक या पेस्ट्री को प्लेट में अच्छे से ले लेंगे, ध्यान से। ये, ये, आराम से प्लेट में ले लीजिए। वाह, वो ब्लू वाला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, लेट्स ईट। ये,
बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई करना गाइस। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।